हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिर्फ बुदापेस्ट की नाइट व्यू ही नहीं देखेंगे, इसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत चर्च भी देखेंगे जो कि हंगरी का 7th लार्जेस्ट चर्चों के अंदर एक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अभी शाम 4:30 बजे और हम निकल पड़े हैं मैथियस चर्च एंड उसके साथ साथ बुदापेस्ट के नाइट व्यू देखने के लिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं कैसा है यहाँ का नाइट व्यू। और यह जो जगह आप देख रहे हैं ये बहुत ही पॉपुलर जगह है। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट से कैफेटेरिया है और इस जगह को दियर फिंस्टियर कहते हैं। तो ये जो सीन आप देख रहे हैं ये सीन बहुत सारे फिल्मों में आप देख चुके होंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे सीन देखने को। तो इसके बाद हम चलेंगे मेट्रो की तरफ। तो यह एक बात बता दे, यह 4 ही मेट्रो होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो हमको 2 नंबर वाला मेट्रो में चढ़ना है। तो हम मेट्रो की तरफ चल रहे हैं। तो और एक बात बता दे, यह जो होता है ना, आपके पास अगर मंथली पास हो तो आप मेट्रो में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, किसी भी में चढ़ सकते हो, तो टिकट लेने का कोई झंझट नहीं है। तो चलते हैं मेट्रो की तरफ। तो हमारा मेट्रो आ गया है, अभी हम मेट्रो में चढ़ेंगे और फिर उसके बाद हमको एक बस भी लेना पड़ेगा मैथियस चर्च की तरफ जाने के लिए। तो हम मेट्रो से उतर के निकल रहे हैं और यहाँ से हम बस लेके पूरा सामने पहुँच जाएंगे मैथियस चर्च के। तो देखिए हम लोग आ गए हैं मैथियस चर्च के सामने और शाम भी हो गया है, तो नाइट व्यू देखने का मजा अब आएगा। तो यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और जो भी बुदापेस्ट आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये हंगरी का 7th लार्जेस्ट चर्च में से एक है। देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ की एक बात बहुत अच्छी लगता है, वो क्या है, तो अगर आप रात में आओगे तो एक अलग सी जगह देखने को मिलता है, तो एक अलग सा नज़ारा है। अगर आप दिन में आओगे तो आपको लगेगा ये एक नया जगह है, क्योंकि रात की तरफ जो लाइटिंग होता है यहाँ, तो वो इस जगह को अलग ही खूबसूरत बनाते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा दोस्त है, वो बोल रहा है कि वो उधर देखेंगे, तो चलिए उधर भी देख लेते हैं। तो ये जो चर्च है ना, ये पूरा पहाड़ी के एकदम ऊपर है, तो पहाड़ी के ऊपर होने के वजह से यहाँ से आपको पूरा सिटी नज़र आता है, और ये बहुत अच्छी बात है इस चर्च की। तो अगर आप चर्च के ऊपर आते हो तो यहाँ से पूरा सिटी आपको दिखाई देगा, और इतना अच्छा नज़ारा कि क्या बताए। देखते हैं चलिए। देखिए यह खिड़की के सामने ही एक नदी है, और इस सिटी का बहुत जो अच्छे अच्छे चीज़ है, जो टूरिस्ट प्लेस है, वो सारे इस नदी के पास बना हुआ है। ये है हंगरियन पार्लियामेंट, जो कि बहुत ही सुंदर है, और हमने एक वीडियो भी इसमें डाले हैं। तो अगर आपको यह वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाए और लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्लेस है। और हाँ, ये हंगरियन पार्लियामेंट का जो अंदर की सारी चीज है ना, वो सारे चीज सोने का बना हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देखें आप। और ये है यहाँ का कैफेटेरिया, यहाँ पे आप बहुत सारे खाना भी खा सकते हो। तो देखिए बहुत ही बड़ा है चर्च, और इतना बड़ा है कि घूम घूम के देखने में करीब 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो देखते हैं कितने अच्छे लग रहा है। और ये जो प्लेस है, यहाँ से आप बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफी भी कर सकते हो। देख रहे हैं आप वो दूर में जो ब्रिज दिख रहा है, वो यहाँ का एक पॉपुलर ब्रिज है, उसका नाम है चेन ब्रिज। तो बुदापेस्ट के चेन ब्रिज के बारे में बहुत लोगों ने
सुना होगा, तो एशियन ब्रिज के डिटेल्स में एक वीडियो भी हम डालेंगे अगले वीडियो में, तो वो भी देख लेना। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो इसके बाद हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे चर्च के, और वहाँ से हम देखेंगे कितने अच्छा लग रहा है इस सिटी का नज़ारा, और वो नज़ारा आपको मिस नहीं करना चाहिए। देखिए रात में ये सिटी बहुत ही अच्छा लगता है। हम ऊपर आ गए हैं, अभी हम आप लोगों को वो सिटी दिखाएंगे जहाँ बहुत सारे लाइटिंग दिखेंगे आपको। चलिए देखते हैं सिटी कैसा लगता है यहाँ से। और ये जो प्लेस है ना, यहाँ से आप पूरा चार्ज भी देख सकते हो, इतना ऊपर है ये। देखिए चार्ज तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से भी। देखिए वो पूरा सिटी यहाँ से दिख रहा है, वहाँ पे पार्लियामेंट है या चेन ब्रिज है, और पीछे हंगरी नाय, बहुत कुछ है यहाँ। और हंगरी में देखने के लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे जगह है, और सारे जगह का वीडियो हम डालेंगे। तो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हौसला बढ़ाइए, ताकि हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। और अगर आपको यूरोप की कोई और जगह देखना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, और बाहर की जो नेचर है उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ एक मैराथन दौड़ टाइप का कुछ हो रहा है, लेकिन ये मैराथन दौड़ नहीं है, यहाँ का लोकल ऑर्गेनाइज़र ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, एक इवेंट है। तो इस इवेंट को एंटरटेन करने के लिए ये लड़की बहुत अच्छी अच्छी करतब करके दिखा रही है, तो हम लोग वो करतब भी देखेंगे और उसके साथ साथ अच्छे नेचर का भी मज़ा लेंगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसी करतब देखने के लिए, रोज़ रोज़ नहीं मिलते। तो दोस्तों यहाँ ख़त्म होती है आज का वीडियो, और इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम लाते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।